अजय गोपीनाथ महोत्सव में कार्यक्रम में बिहार झारखंड के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत होगा। भागलपुर सुल्तानगंज के पास दीपक दीपांशु क्लासेस में अजय विनोद महोत्सव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अजय गोपीनाथ महोत्सव के अध्यक्ष अजीत कुमार ने किया। बैठक के दौरान 2 अप्रैल से 3 अप्रैल तक बिहार झारखंड के कलाकारों द्वारा अजय गोपीनाथ महोत्सव में भाग लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुत किया जाएगा। अजय गोपीनाथ महोत्सव के अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी होने के कारण कार्यक्रम आयोजन नहीं हो पा रहा था। 2 अप्रैल से 3 अप्रैल तक अजय गोपीनाथ महोत्सव का सांस्कृतिक कार्यक्रम नए दुर्गा स्थापन के प्राण में होना है। इसके लिए बिहार एवं झारखंड के कलाकार शामिल होंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य एवं बुद्धिजीवी एवं स्थानीय पदाधिकारियों का सहयोग होना जरूरी है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ अजय गोपीनाथ महोत्सव सचिव दीपक कुमार दीपांशु, अजय गोपीनाथ अध्यक्ष अजीत कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आज की बैठक में हम लोगों ने अजय गोपीनाथ महोत्सव को मनाने की जो रूपरेखा होगी वह तय किया। हम लोगों ने 2 और 3 अप्रैल 2022 को महोत्सव मनाने का दिन तय किया है। और जैसा कि हम लोग सबको ही जानते हैं, यह हमारे यहाँ विक्रमशिला महोत्सव शुरू किया गया, मंदार महोत्सव प्रारंभ किया गया, लेकिन हमारे अजय गोपीनाथ महोत्सव को लेकर के प्रशासन सरकार में कोई जागरूकता नहीं दिखी और हम लोगों का इतना सांस्कृतिक महत्व का जगह है ये, इस कारण से जो हमारा क्या इतिहास रहा है, हमारी क्या संस्कृति रही है, हमारी धरोहर क्या रही है, उससे नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए हम लोगों ने अजय गोपीनाथ महोत्सव को आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय हम लोगों के द्वारा पहले भी लिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण यह जो है विलम्ब हुआ, लेकिन अब की हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग अजय गोपीनाथ महोत्सव को करके ही मान। तो ये जो महोत्सव होगा सर, ये कहाँ होगा और क्या कार्यक्रम होगा तमाम? अभी तो हम लोगों ने जो महोत्सव का स्थल तय किया है, यह सुल्तानगंज बाजार चौक स्थित नई दुर्गा स्थान के रंगशाला में यह कार्यक्रम आयोजित करने का तय किया है। तो इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से कलाकार आएंगे और क्या कार्यक्रम? विशेष जो है कार्यक्रम की विशेष रूपरेखा पर हमारे सचिव हैं दीपांशु डांस के, जब की वो बताएं। जो कार्यक्रम करा रहे हैं वो नृत्य प्रतियोगिता है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य एवं फिल्मी गीत वगैरह देशभक्ति गीत होगी। दूसरी गायन प्रतियोगिता है, इसमें आपके जितने भी कलाकार हैं वो भागलपुर हैं, पटना हैं, आरा हैं, जमुई हैं, बहुत दूर दूर से कलाकार हैं। हम लोग को इधर कॉल भी आया है, प्रयागराज के कलाकार थे वो भी आने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम सांस्कृतिक महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, गोपीनाथ महोत्सव सांस्कृतिक उत्थान के लिए करा रहे हैं सुल्तानगंज जैसे शहर में, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ एक अगर कंकर उठा के भी मार दिया जाए तो वो कलाकार होता है। वहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधि पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, उसके उत्थान के लिए हम ये कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और इसमें बहुत दूर दूर से बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आएंगे कार्यक्रम करने, जिसका आप लोग मजा लेंगे। तो इन कलाकारों के लिए क्या पुरस्कृत है महोत्सव के द्वारा किया जाएगा, तमाम सम्मानित किए जाएंगे? देखिए, जो नियमता होता है कि हम लोग उसको शिल्ड द्वारा पुरस्कार देंगे, प्रमाण पत्र देंगे। इस बार एक विशेष प्रक्रिया हम किए हुए हैं कि जो भी नृत्य का होगा या फिर गायन का होगा उसको हम नगद पुरस्कार भी देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आ सके। नाम मेरा नाम दीपांशु दीपक हुआ, दीपांशु डांस क्लासेस का नृत्य निदेशक हुए और ज्वेलरी हाउस सोने चांदी की दुकान है मेरी, बस यही मेरा नाम। सचिव और अजय गोपीनाथ महोत्सव का मैं सचिव हूँ।